तो हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी क्वेश्चन के ऊपर कि मेरे पास स्टार्ट डेट है एंड डेट है। मैंने किसी प्रोजेक्ट को 1 जुलाई को 14 बजे लिया और 16 जुलाई को 15 बजे हमने प्रोजेक्ट को दे दिया और मैं प्रोजेक्ट करता हूँ 9 से 18, तो कितना घंटा हमने काम किया। तो सबसे पहले इस पे लगाएंगे फॉर्मूला नेटवर्क डेज डॉट INTL का, या नेटवर्क डेज ही ले लीजिए क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही है, इसलिए स्टार्ट डेट एंड डेट हमने लिया, एंटर प्रेस किया, इन नंबर ऑफ डेज आ गया कि 4 दिन। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट कब दिया और उससे प्रोजेक्ट हमने कब लिया उसको आपस में कर देते हैं माइनस। अब रिजल्ट आपके सामने आया, 1 घंटा है, लेकिन ऐसे नहीं क्योंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 8 घंटे से, क्योंकि हमारा जो ए है वर्किंग आवर है वो 8 घंटे का है, तो 4 दिन जो आया है उसको 8 घंटे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 8 घंटे 9 घंटा जो है हमारा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, ये रहा आपका रिजल्ट। अब बोलेंगे सर 13 घंटा, नहीं 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 13 घंटा नहीं है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा कस्टम फॉर्मेटिंग में, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो होता है ना, चाहे 30 37 30 का जो फॉर्मेट होता है उसको अप्लाई करें। 1 सेकेंड और पीछे, समझे सर? तो इसमें कोई एरे नहीं लगाना, ये आपको इसलिए दिया ताकि आप जो है खुद डिसाइड करें कि एरे लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दिया था। ठीक है, ये तो बता ही था आपको क्लास में, चलिए दोबारा बता देता हूं, हो सकता है आप लोग भूल गए, राइट सर? तो करना क्या है, तो मुझे करना है क्या है, इनको आपस में सम करना। तो मैंने यहाँ पे इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया, मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कॉमा रो का फॉर्मूला लिया, रो में मैं 1 से लेके 10 तक का नंबर दे दे रहा हूँ और यहाँ पे कॉमा 1 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करके एंटर प्रेस कर दिया, तो ये वैल्यू का रिजल्ट आया। इस पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए तो रिजल्ट क्या है, फिर भी वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए फॉर्मूला एवलेट करके देखना होगा। फॉर्मूला एवलेट में मुझे प्रोसीजर पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है, 1 से 10 तक का नंबर आया है तो ये अलग अलग हुआ, तो लास्ट में आप देख पा रहे हैं ना कि एरर आ रहा है ना, क्योंकि ब्लैंक्स है, तो हमें उतना ही नंबर देना होगा जितना हमारा टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कितना है कैसे पता चलेगा, तो यहां हम करेंगे कॉनकेट का यूज और कॉनकेट में लेंगे लेन, दिख रहा है सर लेन? अब एज लेने पे एंटर मारने पे बाहर नहीं आने देगा क्योंकि रो फॉर्मूला क्या है, रेफरेंस चाहिए इसको, तो ए जो है ये तो कॉनकेट हो गया, कॉनकेट होते ही रेफरेंस तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे सर, इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से हम इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 33 आया 33, यस सर, समझे? तो कैसे वर्क किया है, तो सबसे पहले रो यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, रो ने नंबर दिया 107 तक और ये रहा आपका नंबर, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 हुआ और एक कन्वर्ट हो गया और रिजल्ट आपके सामने 33, समझे सर? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने स्किप करने के लिए बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि मुझे इसमें से नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्या नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, नंबर नंबर, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वही क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर इससे नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ मिड का इसे मैनुअली करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक फॉर्मूला करके दिखाऊंगा कि मिड का फॉर्मूला लगाएंगे और हम बोलेंगे कि यहाँ सीक्वेंस का फॉर्मूला या कॉलन का फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉलन का फॉर्मूला भी यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है?
और यहाँ पे हमने वन नंबर करेक्टर दिया, और एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हर करेक्टर एक अलग अलग हो गया सर। अब हर करेक्टर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वन करूंगा ताकि एक कन्वर्ट हो जाए किसमें, नंबर में। जैसे यहाँ देखिए वन टू थ्री कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास इज एरर का फॉर्मूला है, इज एरर का फॉर्मूला क्या करेगा, एरर को ट्रू और फॉल्स कर देगा। लेकिन मुझे इज एरर का फॉर्मूला इज ब्लैंक लगा है, इज है जी,